आप लोगों के लिए एक खबर है। द इडियट्स के काशान भाई इज अ फैन ऑफ माई वीडियोस। वो मुझे पहले काफी बार कॉल कर चुके हैं अप्रिशिएट करने के लिए, और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता यार। आज भी काशान भाई का फोन आया, लेकिन आज फोन आने का मकसद थोड़ा डिफरेंट था। यार नवीन, लाइट हाउस चलो यार, मुझे जूते लेने, कब फ्री हो आप? तो आई वॉज लाइक, बिल्कुल चले चले, बिल्कुल सीन ऑन है, चले चले, नेक्स्ट लेवल सीन है, चले। This guy Kashan, he's been in the YouTube industry of Pakistan since the very beginning. और जब आप किसी भी इंडस्ट्री के या कितने पापी बंदे के साथ बैठकर चिलिंग कर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली ऐसी बातें हो जाती हैं कि आपको एक बिगर पिक्चर दिख जाती है, a much bigger picture than a single video. आज भी आपके भाई ने एक ऐसी ही पिक्चर देखी है। चल आप लोगों को भी दिखाता हूँ। क्या हाल है ब्रो? सॉरी थोड़ा लेट हो गया। ये पिक्चर का पहला सीन बोलता है कि यार यू शुड नो व्हाट्स योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जरूरी है जानना। आप एक्टिंग में आपको आप शुरू से कंफर्टेबल थे एक्टिंग में? एक चीज मैंने सीखी एक्टिंग में, भाई अगर आप किसी को डायलॉग दे रहे हो तो आपकी जो आईज है ना, वो आप किसी की भी जो जिसको आप बोल रहे हो उस पे फोकस होनी चाहिए। काशन भाई को फुली पता है कि भाई उनका असल गेम है एक्टिंग। इधर उधर अगर आंखें हिलेंगी ना तो ऐसा लगेगा आप एक्टिंग नहीं कर रहे। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये टाइम टू टाइम सीख के आ गई। अभी आप एकदम से मुझे बोलो ना यार, हैरान होकर दिखाओ, हो जाएंगे, मसला नहीं है। और मुझे भी पता है कि यार एक्टिंग, शैक्टिंग, सिनेमैटिक्स, कलर ग्रेडिंग वगैरह ये मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए अभी सारी सेकेंडरी चीजें हैं। आपके भाई का असल सीन है एक अच्छी कहानी सुनाना। किसी भी चीज पे बना लेते हो आप? मतलब मुझे, मैं अपने आपको चैलेंज इस तरह करता हूँ कि मैं कहीं रास्ते में पत्थर देखूँ ना, तो मैं अपने आपको रास्ते में बोलता हूँ कि अगर तुम इस पत्थर पे वीडियो बनानी है तुम क्या बनाओगे, 3 मिनट बनाओ। क्या बना? इस पत्थर ने या किसी भी पत्थर ने मेरे साथ जिंदगी में क्या इम्पैक्ट लेके आया, कभी भी जिंदगी। पत्थर के सनम, पत्थर के सनम। पहले सीन के बाद दूसरा सीन फौरन बोलता है कि यार अब आपकी वीकनेस जाननी है, वीकनेस क्या है आपकी, आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब एक्टिंग ऐसे यहाँ पे हजार बंदा खड़ा होगा ना, आप एक्टिंग करवा लो मसला नहीं। हाँ। लेकिन व्लॉगिंग में ही हो जाता है, वो देख रहा है। वो बहुत होता है यार, बहुत होता है। मुझे भी अभी तक बहुत होता है कि यार पब्लिक में करता हूँ ना, अगर मैं कभी भी कैमरा निकालता हूँ तो मुझे होता है कि यहाँ पे क्या बोलेगा, अजीब पागल कैमरे से बात कर रहा है। असल में यार अभी तक इतनी वो नहीं आई ना यहाँ पर कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। लोग तो ये बोलते ना अपने आपसे बातें करता है वो पागल है, पागल है। अब उसी की एक कैटेगरी निकल गई व्लॉगिंग, वो भी अपने आपसे बातें करता है। एडमिट करो, लेकिन दिल पे पत्थर रख के उस वीकनेस को दूर करने की कोशिश जरूर करो, वरना फायदा नहीं है, वरना कश्ती निकल चुकी है। कश्ती ऐसी तबाही 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 गर्मी है, और इस तबाही गर्मी में काशान भाई को लेने थे जूते लाइट हाउस से। यार क्या करें यार, शूज चाहिए, खत्म हो गए भाई। चलो सही है, काशान भाई मुझे बड़ी फिट बात बता रहे थे अभी यहाँ के लाइट हाउस के बारे में। पहले ये था कि भाई आप किसी के पास जाओ ना तो वो बोलते थे कि भाई कोई सा भी है हजार का ले लो। हाँ। अब जाओ तो बोलते हैं ये नाइकी है, वेंस है, लॉन्सेल है, एडिडास है, सब पता है। इन भाई को चाहिए टॉम्स, टॉम्स और मुझे चाहिए वेंस। कैसा है टॉम्स? वेंस है, होंगे ना इधर कहीं, लेकिन आगे टॉम्स चाहिए यार। ऊपर से बस कैसे ये हमेशा होता है, ऊपर से और एक रास्ता खुलता है, कोई वहां से हाथ निकलता है। क्या नाम है आपका भाई? अब्दुल वासी। बड़ा मजा आया मिलके आपसे यार। क्या पी रहे हैं आप? कावा। अकेले अकेले? हमारे साथ नहीं आओगे? हमारे साथ, हम भी तो आ रहे हैं यार। भाई यार बहुत सस्ता है, महंगा बताओ, महंगा बताओ। हाँ। जब 15 करोड़ जूतों के बीच में वॉक करेंगे तो कंफ्यूज ही होंगे। 8,500 का? ये वियतनाम का। वियतनाम का है जी। तू भी छोड़ रहा लंबी लंबी। नहीं नहीं, तो क्या छोड़ रहा है, ये पढ़ो। हां गुड जॉब, आई एम ग्लैड के वीकनेस दूर करने की कोशिश की जा रही है। You deserve a treat, my friend. You deserve a treat. Shoes तो नहीं मिले, अब क्या सीन है? लेकिन जब जिंदगी में इस तरह के अफसोस होता है ना, तो मेरा एक ही साथी होता है। कौन? नहारी। Art spotted at Malik Nehari. Artist. Artist spotted at Malik Nehari. मगज वाली? हाँ? एक बहुत है। नन्ही मगज? वो जोर डलवाना। नन्ही पैर दे। तबाह कर दे, कुछ और ही कर दे उसको आज। सीन नंबर 3। किसी भी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले उसकी गुड साइड के अलावा उसकी डार्क साइड भी मालूम होना बहुत जरूरी है। बस ये है कि चैनल ग्रो करना है, मार्केट ग्रो हो, पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है ना वो ना किसी गलत चीज़ों की वजह से बैन ना हो यार।
अगर बैन हो गया तो हमको खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब यार अपना सारा मोरल जो है ना वो डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बैन क्यों है? अभी हमें किसी ने बताया नहीं है कि अब बैन नहीं होगा, किसी ने कोई अथॉरिटी नहीं दी है। हर तरह की ऑडियंस होती है ना, नेगेटिव में कुछ लोग नेगेटिविटी की हद पार कर जाते हैं। वो आपके पर्सनल लेवल पर आ जाते हैं, फैमिली लगती है बात। मेरे तो बच्चे भी हैं, बच्चों को बोलना कुछ ऐसी बात, या तो आप क्या करो, आप अगर अड़िया ही गाली बकरी बन देना तेरी ऐसी है, वो क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेके उसके वो बना देंगे कि भाई ये काशान भाई देखें ऐसे ये काशान भाई। यार उसकी भी तो एक लिमिट है ना बंदे की, वो इंसान नहीं है, वो एक यूट्यूबर है क्या है वो। सीन नंबर 4 ले जाता है हमें एक बिल्कुल दूसरी दुनिया, मैनेजमेंट की दुनिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम में एक इतना इररेलेवेंट सब्जेक्ट लगता था मैनेजमेंट, लेकिन भाई हर चीज़ की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए। जब आपको आइडिया सोचना होता है ना, आपको उसका आइडिया नहीं आता, क्योंकि आइडिया आने का टाइम सेट नहीं है। अगर आपने बैठना है कि हाँ मुझे सोचना है कि वीडियो का आइडिया, तो नहीं आएगा। सोल्यूशन ये कि आइडिया जब भी आता है तो नोट करना, क्योंकि जब आपका वो टाइम आता है ना कि जब आपको कुछ आइडिया नहीं आता, आपको वो लिस्ट काम आती है। जब भी आइडिया आ रहा है, भले आप ड्राइव कर रहे हो ना, आप उसमें वॉइस नोट छोड़ दो और उसको आप सेव कर दो, क्योंकि आइडिया बता के नहीं आता। और फिर आता है क्लाइमैक्स। ये YouTube का जो गेम है, ये एक बहुत नंबर्स बेस्ड गेम है। यू नो, यू वांट व्यूज, यू वांट सब्सक्राइबर्स, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। आप सक्सेसफुल जा रहे हैं या आप फेल हो रहे हैं, ये एक रोज बदलता नंबर आपको चीख चीख के बताता है। एंड ये नंबर्स ना मिलने से जो दिल टूटता है, उस दिल को संभालना कैसे है? नंबर्स के बारे में मेरा ये ख्याल है कि नंबर्स तब आते हैं जब आप नंबर्स लेने के लिए काम नहीं करते। जब आप नंबर्स लेंगे तो नंबर्स नहीं आते। जब मैं सोचता हूँ ना ये बात कि यार बहुत मेहनत की एक वीडियो पे और वीडियो नहीं चली, तो मेरे जहन में आती है जीरो शाहरुख खान की फिल्म। बिल्कुल यही है, आप नंबर्स भूल जाओ, बहुत आ जाएंगे, बहुत है, पीछे नहीं भागो ना, आप पीछे नहीं भागो। मतलब जीरो में उन्होंने एक एक शॉट 5 बार लिया है, 5 बार लिया, बिल्कुल। उसको शाहरुख खान को उस तरह दिखाने के लिए बोना उनको एक एक सिंगल शॉट सेम शॉट 5 बार लेना पड़ा है। हाँ, कामयाबी तुम्हारे खुद पीछे आएगी। इतनी मेहनत की उन्होंने, 2.5-2 साल लगा के उसको मूवी को बनाया और मूवी फ्लॉप हो गई, पैसा नहीं कमाया, पैसा डुबा दिया मूवी ने उनका। तो अगर वो दोबारा मूवी बना सकता है ना, तो कोई बना सकता। तो फिर आपकी वीडियो तो आप 15,000 फेल होने का अब लोग पता क्या बोलेंगे, लोग ये बोलेंगे यार वो शाहरुख खान है, शाहरुख खान के भी तो इंसान है ना, वो भी सोचता होगा कि डिसाइड होता होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी टॉप बंदे के साथ सेशन लगाओ तो पता लगता है कि यार बड़ी पिक्चर क्या है। एंड बेयर इन माइंड कि ज़रूरी नहीं है कि ये सही पिक्चर हो। सच बताऊं तो आई डोंट थिंक किसी को भी पता है कि यार असल में करेक्ट पिक्चर क्या है और गलत पिक्चर क्या है, किसी को नहीं पता। बट आफ्टर हैविंग स्पेंड दिस डे विद मिस्टर काशान, ये जो 5 चीज़ें मेरे सामने आई हैं, ये हमें आई एम श्योर मदद ही करेंगी, हमें हार्म तो नहीं पहुँचा सकती 100%। एक्चुअली 6 चीज़ें, एक सीन अभी रहता है। आपको ऐसी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो या तो आपको पसंद नहीं है या आपने पहले कभी करी भी नहीं है। एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो फिर हाँ, मैंने भी ये इंस्टाग्राम स्टोरी बताई थी कि जब चाय पी लेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, और वो बात ये है मेरे भाई कि मैं चाय नहीं पीता, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत में पी रहा हूँ। मैं चाय का टेस्ट डबल मीठा हो गया आपकी इस बात से। एंड ऑन दैट नोट तखलिया।